and welcome to News Bearer. Headline: Massive rally in Haflong in protests, brutal killing and rape of young doctor in Kolkata. In Haflong, a massive rally was held today to protest the brutal rape and murder of a 31-year-old postgraduate trainee doctor while on duty at Kolkata's Ajikar Hospital. The rally saw hundreds of participants, including students, teachers, doctors, healthcare professionals, and members of civil society, all demanding justice for the victim and stronger safeguards for women in society. The tragic incident, which occurred after the doctor had worked a grueling shift, has sparked widespread outrage and calls for severe punishment for those responsible. The rally, organized by the All Students Union of Haflong Government College, aimed to show solidarity with the victim's family and to demand justice. सबसे पहली बात, हमें जस्टिस चाहिए, बस उस लड़की के लिए नहीं जिसके साथ ये सब हुआ है, हर लड़की के लिए जिसके साथ हर रोज़ ये सब होता है। अगर हम एक लड़की को छोड़ दें और एक उन रेपिस्ट को छोड़ दें जिनके लिए ये सब हुआ है, तो और 100 रेपिस्ट खड़े हो जाएंगे और 100 लड़कियों की बर्बादी होगी। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और अगर हमारे देश में ये सब चलता रहा तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे देश में सभी को एक साथ रहना चाहिए। हम अगर उनको छोड़ दें तो हमारे कंट्री के लिए जस्टिस बिल्कुल नहीं होगा। इतने साल हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस के, पर आज तक हमें असली इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। वी वांट इंडिपेंडेंस, ओनली इंडिपेंडेंस, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, वी वांट इंडिपेंडेंस फॉर एवरीवन, जिसके साथ ये सब होता है, एवरीवन, बच्चे से लेके बूढ़े तक ये सब हो रहा है। हमें ये सब नहीं चाहिए, वी वांट जस्टिस। हमें बड़ी से बड़ी सजा चाहिए, उसे जितना सजा दे दिया जा सके उतना देना चाहिए, उसे हार्श से हार्श सज़ा देना चाहिए, उसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। उसने ज़िंदा नहीं छोड़ा है तो हम भी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक उसे हमें जस्टिस नहीं मिलता तब तक हम ये सब करते रहेंगे। अगर चाहे तो हम हर रोज़ उसके लिए लड़ेंगे, पर ये सब हमें बंद करवाना ही है, हम बंद करवा के छोड़ेंगे। तो आज में हम लोग स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का हफलोंग में, तो हम लोग जो ऐसे स्टूडेंट्स कम्युनिटी, हम लोग यहाँ पर रैली ऑर्गेनाइज किया है। तो रैली ऑर्गेनाइज क्यों किया है उसके बारे में तो हम लोग बोलेगा अभी, कि जो कलकत्ता में आजीकर मेडिकल कॉलेज से 9 अगस्त 2024 को ऐसा घटना हुआ था एक महिला डॉक्टर के ऊपर, तो उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत ही मतलब दुर्भाग्य, जो एक मतलब जो हत्या है वो चीज़ को हम लोग ना दोबारा ना होने के लिए हम लोग आज में रैली किया है। और रैली का मकसद ये था कि हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे जस्टिस दिलाने में, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। हम लोग ऐसे सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम एक ही देश में रहते हैं, तो एक नागरिक होने के नाते हम लोग अपने समाज का कुछ जैसे भी हो हम लोग देखने का अधिकार है। हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो भी ऐसा क्राइम हुआ है उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग आज में जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग ने साथ दिया है। और आज का इस मूवमेंट से जितना भी हम लोग का मेडिकल सब है, उन लोग के लिए जो सुरक्षा विभाग है उनके लिए हम लोग गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग का इमीडिएट रूप से, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन के लेके, तो उन सबको जल्दी मतलब स्ट्रिक्टली एम्फोर्स किया जाए, ताकि कोई भी अभी का तो स्टूडेंट को ऐसा हुआ था, अभी जो आने वाला जो स्टूडेंट्स है जो मेडिकल करना चाहेंगे वो लोग तो अभी सोचने लग जाएगा कि अगर हम लोग मेडिकल पढ़ने जाएगा तो कैसे होगा। अगर ऐसी ही घटना होते रहेंगी तो आने वाला दिन में हम लोग का देश में जो मेडिकल करना चाहेगा, जो भी महिला कुछ भी काम करना चाहेगा, तो वो लोग का मन में डर रह जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग रोकना है। हम लोग एक समाज में रहते हैं, समाज में अच्छा इक्वलिटी चाहिए हम लोग को लड़कियों को कम नहीं समझना है, क्योंकि हम लोग सब बराबर है। और हम लोग आज हफलोंग से स्टैंड करते हैं विद द विक्टिम ऑफ आजकल मेडिकल कॉलेज, टू द फैमिली ऑफ डॉक्टर ममिता देवनाथ जी का, और ऐसे ये सब के हम
इतना ही कहेंगे। अच्छा, आजकल स्टूडेंट को इतना घिनौना हरकत करने वाला को कल्पित को क्या सजा मांगेगी आप? कैपिटल पनिशमेंट देने से अच्छा रहेगा। कैपिटल पनिशमेंट इज द बेस्ट पनिशमेंट, क्योंकि ये केस जो है सिर्फ अभी डॉक्टर महिला के ऊपर ही नहीं है, आजकल मोर रेप केस बढ़ते आ रहा है। इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट को पहले भी मतलब हम लोग मीडिया के सोर्सेस में आज तक देखने को मिला कितना सारा आज का दिन में कितना रेप केस, मोलेस्टेशन केस, लड़कियों के ऊपर अत्याचार, सब सभी विभागों में, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो काम करने वाले हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं से भी बहुत सारा ऐसा रेप केस मतलब केस बढ़ते आ रहा है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज करें ताकि सब लोग सुरक्षा के लिए डर ना लगे। इसमें जितना भी स्टूडेंट्स होने से नाम लेने से हम लोग का फर्स्टली हाफलॉन्ग गवर्नमेंट स्टूडेंट एसोसिएशन वो है, डिमासा स्टूडेंट यूनियन, हाफलॉन्ग कॉलेज यूनिट है, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मार भी है, गोरखा भी है, सभी जितना यहाँ का निवासियाँ हैं हाफलॉन्ग में, डिमासाओं में, सभी जातियों का यहाँ पे आज में हम लोग का साथ में साथ दिया है। तो हम लोग डॉक्टर लोग भी दिया है, एनजीओ भी दिया, मदर्स एसोसिएशन भी दिया, वोमेन सेल भी दिया, इवन द सिविल सोसाइटीज वो लोग भी साथ में आके दिया है। तो उन लोग को भी हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं ताकि हम लोग का इस रैली में उन लोगों ने सपोर्ट दिया हम लोग को। और लास्टली आई लाइक थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो जिन्होंने अपना जो वैल्यूएबल टाइम दिया यहाँ पे, हम लोग अभी पढ़ने का टाइम था फिर भी ऐसा घटना समाज में होने से हम लोग ऐसे हमेशा खड़े रहेंगे साथ में और इनजस्टिस को हम लोग ऐसे ही रोकते रहेंगे और हम लोग को अभी डिमांड जस्टिस।